हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का स्किल एनहांसमेंट कोर्स ई कॉमर्स का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रेगुलर एसएल और एनसीएफ सभी के लिए यूज़फुल रहने वाली है। और ई कॉमर्स जैसे कि नाम से ही आप इसको पता लगा सकते हो कि इसमें जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसके रिगार्डिंग आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो पहला जो यूनिट है इसमें ई कॉमर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ई कॉमर्स एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसका स्कोप क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ई कॉमर्स के, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। फिर इसमें है प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस को किस तरीके से प्लान करा जाता है, नेचर क्या हो सकता है इंटरनेट का, और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें B2B, B2C, C2C, C2B, B2G जो ये सब मॉडल्स होते हैं अलग अलग, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। इसके अलावा फिर आपका है यहाँ पर टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट्स हो गया, उसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, इंटरनेट एंड एक्सटरनेट क्या होता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर ई कॉमर्स को किस तरीके से ऑपरेट आप कर सकते हो, इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है, पेमेंट गेटवेज होते हैं, ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा है सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स का सारा काम ऑनलाइन होता है तो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कौन कौन सी सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, जो ई कॉमर्स में जो फ्रॉड होते हैं उससे आप बच सको, वो सब चीज़ें आप यूनिट 5 के अंदर पढ़ोगे। अब हम देखते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था, चाहे वो रेगुलर हो, SOL हो या NCVB हो, 50 नंबर का पेपर आया था। SOL का भी 50 नंबर का पेपर आया था ई कॉमर्स का स्पेसिफिकली, तो इस बार भी उम्मीद है कि 50 नंबर का ही पेपर आएगा। हो सकता है 75 का भी आ जाए, लेकिन चूंकि लास्ट ईयर पेपर 50 नंबर का आया था तो अभी तो हम यही अज्यूम करेंगे कि 50 का ही आप लोगों का पेपर आएगा। तो पेपर आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक मीडियम में करो, आपको सारे ही क्वेश्चन जितने भी इस पेपर में आए हैं सभी करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, इट मीन्स कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें इंटरनल चॉइस है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स के विकास क्रम की विवेचना कीजिए, यानी कि ई कॉमर्स किस तरीके से ग्रो हुआ वो बेसिकली आपको बताना है। इसके अलावा यहाँ पे और करके ऑप्शन है, एक्सप्लेन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स की आधारभूत संरचना की व्याख्या कीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस मॉडल, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल। ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस मॉडल क्या है, ये ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जो इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द डिज़ाइनिंग, मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस प्लान। एक ऑनलाइन व्यापार योजना के जीवन चक्र दृष्टिकोण के डिज़ाइनिंग, रखरखाव और संवर्धन चरण में शामिल गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि एक ऑनलाइन बिजनेस का प्लान है, उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, डिज़ाइनिंग, मेंटेनेंस और इन्हांसमेंट, इन फेजेस को आपको बताना है। ये लाइफ साइकिल अप्रोच होता है एक ऑनलाइन बिजनेस प्लान का, उसके आपको अलग अलग जो फेजेस हैं जिसमें आपका डिज़ाइनिंग, मेंटेनेंस, इन्हांसमेंट, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये सारे ही क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 10-10 नंबर के हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिक्योरिटी कंट्रोल्स नीड टू अडेप्ट फास्ट टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी कॉमेंट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम चेंज करते जा रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को चेंज करने के साथ साथ सिक्योरिटी भी हमको ध्यान में रखनी है, तो बेसिकली इसी स्टेटमेंट पर आपको कॉमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। और इंटरनल चॉइस जो है इस 3 के अंदर, आपको स्पूफिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, दोनों के ऊपर स्पूफिंग और गोपनीयता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ UPI एंड IMPS, UPI और IMPS की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। बताना है कि ये क्या होता है, UPI क्या होता है, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला जो आपका यूनिट है उसमें से क्वेश्चन आया है। इसके साथ चॉइस में क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सप्लेन करो और व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बतानी है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ई बुक्स आर द फ्यूचर ऑफ पब्लिशिंग इंडस्ट्री कॉमेंट। ई बुक प्रकाशन उद्योग का भविष्य है, टिप्पणी कीजिए। या फिर व्हाट आर द मेजर लीगल इश्यूज ऑफ ई कॉमर्स,
ई कॉमर्स के प्रमुख कानूनी मुद्दे क्या हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हर एक यूनिट से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा ही बनेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस में भी क्वेश्चन आप लोगों का आया है कि डिज़ाइनिंग डेवलपिंग कैसे आप कर सकते हो बिज़नेस प्लान को। ई कॉमर्स में इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया और ये ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस वाला क्वेश्चन आया हुआ है इंटरनल चॉइस के अंदर। बाकी ऑपरेशन की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट के अंदर UPI वगैरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला है। तो हर एक यूनिट में से क्वेश्चन आएगा। सिक्योरिटी वाला भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही तो सिक्योरिटी को भी ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें आए हैं। लीगल एस्पेक्ट वाला भी जो IT एक्ट है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट हर एक यूनिट में से आप लोगों से क्वेश्चन आया है। तो हर एक यूनिट को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा। हर एक यूनिट अपने अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। कोई यूनिट आप छोड़ के जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 20% अपना सिलेबस छोड़ के जा रहे हो, 20% क्वेश्चन छोड़ कर आओगे, क्योंकि 5 यूनिट हैं, 20% वेटेज हर एक यूनिट को दी जाएगी। ठीक है, तो यही एग्जामिनेशन पैटर्न। तो दोस्तों अगेन आई रिपीट, हो सकता है पेपर 75 नंबर का भी आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर हमने डिस्कस करा है जो कि 50 नंबर का था। तो लेट्स अज्यूम कि 50 का ही आप लोगों का पेपर आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।